हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिविंग कम डाइनिंग रूम का टूर देने वाली हूँ। मेरे पास कुछ एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर मैंने इसे मेरे तरीके से सजाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले ये है मेरा मेन डोर, ऊपर सिद्धि विनायक गणपति जी की प्लेट लगाई है और उसके आगे जाके एक टेबल है, नीचे सुरेख है और यहाँ मनी प्लांट रखा है। उसके आगे है एक फोटो फ्रेम, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है वैलेंटाइन डे के दिन। एक लकड़े के ऊपर ये पेंटिंग है, वो मेरी बेटी ने बनाया है। उसके ऊपर की होल्डर है। कॉर्नर में मनी प्लांट के आर्टिफिशियल लीव्स लगाई है। ये वॉल क्लॉक हमने बनवाई थी। यहाँ एक सेल्फ पे गणेश जी और कैंडल होल्डर है। ये है मेरा सिंपल सा टीवी यूनिट और टीवी। सिरामिक के पॉट में मैंने दो मनी प्लांट वाटर में लगाए। ये छोटे छोटे क्यूट से बुद्धा रखे हैं। छोटे से टेबल के ऊपर मैंने एक ब्रास का आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। यहाँ रखी है मैंने घनश्याम महाराज की मूर्ति बाजूट के ऊपर और दो साइड में दो छोटे से फ्लावर पॉट। ये है मेरा बड़ा वाला सोफ़ा और ये वाइट पर्दे है और ऊपर पालमेट के ऊपर मैंने रखी है मेरे सास ससुर की तस्वीर और मेरे पापा की। यहाँ कॉर्नर टेबल है, उस पर मैंने एक आर्टिफिशियल लीव्स रखा है और एक मटके को मैंने DIY करके रखा है। यहाँ पे मैंने मिरर्स लगाए हैं। ये मेरा सेंटर टेबल, उस पर एक ट्रे है। यहाँ मैंने नीलकंठ वर्णी और उस पर एक पॉट में वाइट और गोल्डन फ्लावर रखे हैं, आर्टिफिशियल है। और यहाँ रिमोट वो सबको मिल जाए इसलिए यहाँ रखती हूँ। इस सेंटर टेबल मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि चार इसमें स्टोरेज बॉक्स आ जाते हैं और अपना कुछ भी रख सकते हैं सामान। यहाँ से मेरा डाइनिंग एरिया शुरू होता है। यहाँ टेबल पर मैंने स्ट्रॉ, टिश्यू पेपर और टूथपिक, ज़रूरत की चीज़ मुखवास ये सब रखा है। इसे मैंने DIY किया है और इसमें एक डॉग और बिल्ली रखा है। यहाँ पे एक विंडो है, उसके नीचे एक टेबल पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट और चार स्पैरो रखी है। यहाँ मेरी बेटी का बायजूस का टेब है। ये था मेरा लिविंग रूम टूर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।